सो हे भाई लोग, क्या हाल चाल। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ वापस है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन आने वाले टूर्नामेंट के बारे में, जहां पे भाई टॉप 8 ट्रेनर्स जो होने वाले हैं उनके राउंड वाइज राउंड जो कौन सबसे पहले जाएगा। सो आज इसी वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। सो बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि ऐश कौन से स्टेज पे खेलने वाला है और किसके साथ खेलेगा और उसकी रैंकिंग कितने पे होगी। अब देखो, मैं एक बात और बता दूँ, जिन बंदों को नहीं पता कि टॉप 8 बंदे वो कौन है, उनका मैं भी नाम बता देता हूँ, जो कि अब आयरिस, ऐश, सिंथिया और डियंथा, लेंस और एलन, स्टीवन और लियोन। अभी मैंने उन टॉप 8 बंदों का नाम लिया है जो कि आने वाले टूर्नामेंट में भाई शामिल होने वाले हैं। अब तुम ये मत सोचना कि भाई जिस तरह से सीक्वेंस में मैंने नाम लिया कि वही यही होने वाले हैं नाम, ये मैंने थोड़े आड़े तेड़े ले लिए हैं। अब देखो, जो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी तो हमें बस राउंड 1 का ही पता चला है जितने बंदे राउंड 1 में एक दूसरे से हिस्सा लेंगे, और साथ ही इनमें से 7 रीजन जितने भी होते हैं, मतलब कलार गुलार जितने भी हैं, उनमें से सिर्फ 7 रीजन से ही बंदे आए हैं। ओके, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें कौन सा मतलब ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे मेरी चुनौती यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई लियोन पसंद है, क्योंकि यार उसके जो खेलने का तरीका है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। छोड़ो यार, बिना आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं, तो मेन मुद्दे पे आते हैं, जहाँ पे भाई पहला राउंड होने वाला है, पहले राउंड का फर्स्ट मैच जो कि होगा भाई लियोन और एलन के बीच में। अब तुम सभी को पता है भाई लियोन भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर है, और इसके पास जो चार्जर्ड है भाई उसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। और जो अगला है जो कि भाई एलन, अब तुम इसे कम मत समझना, क्योंकि ये भी मेगा एवोल्यूशन का स्पेशलिस्ट रह चुका है, जो कि इसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल मेगा एवोल्यूशन वाले पोकेमॉन है जो कि हो सकता है भाई लियोन के हारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। सो तुम कमेंट करके बताना कि अभी तो हम बस प्रेडिक्शन ही लगा सकते हैं कि कौन जीत सकता है, तो तुम कमेंट करके बताओ कि हो सकता है लियोन जीते या एलन जीते। सो अभी थोड़ी बातें और चलेगी इन दोनों के बीच में, मतलब हमारे बीच में इनके बारे में। अब इस तरह से तो हम भाई इन दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को कम नहीं समझ सकते, क्योंकि इनने भी जितने भी मैच खेले भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़े खेले और हारा तो बहुत ही कम है, जिस रीज़न की वजह से भाई इनका जो मैच है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजीनेस होने वाला है और इतना ज़्यादा पावरफुल तो होगा ही होगा, जो कि सामने वाले जो ऑडियंस होगी तो इनकी पागलपन हो ही जाएगी। देखो, इन दोनों के बीच तो हमने काफी ज्यादा वार्तालाप कर लिया है, अब देखा जाए जो कि अगला मैच होने वाला है, लांस द ड्रैगन मास्टर एंड डियंथिया द मूवी स्टार। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक हैं, हम इन दोनों को कॉमन नहीं समझ सकते, एक के पास चार्जर्ड और एक के पास एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पोकेमॉन। अब देखा जाए जो डियंथिया है भाई वो भी एक मूवी स्टार है, अब कह नहीं सकते डियंथिया के इतने ज़्यादा चांसेस है, पर ना ऐश को इसको इतनी बुरी तरह से हराया था, जो कि ऐश भाई मतलब इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन कह सकते हो, इतनी बुरी तरह से चला गया था, शायद तुम लोगों ने वो एपिसोड देखा हो। और जो दूसरी तरफ लांस की भी बात भाई मतलब पूछो मत, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक हो जाता है। हाँ, माना कि लांस का भी मतलब ऐश से मिला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऐश जीत सकता है ये पूरा टूर्नामेंट को, पर नहीं, बहुत ही रेयर चांस होंगे। अब जैसे कि तुम सभी को पता होगा, कैंटो जूडो चैंपियन लांस और वहीं कालसो रीजन के डियंथिया वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरा ओपिनियन मांगो तो भाई हो सकता है लांस जीत सकता है, क्योंकि भाई लांस के पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो कि भाई ड्रैगन टाइप पोकेमॉन की, एक साथ ही साथ ड्रैगन टाइप मास्टर होने के बावजूद भी भाई इसके पास ऐसे ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होंगे जो कि डियंथा को इजिली हरा सके। ओके, सो हम दोनों को कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों के पास एक काफ़ी अच्छी भाई प्लानिंग हो सकती है। ओके, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है, जो आने वाला टूर्नामेंट होगा वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इस समय भाई इतना ज़्यादा क्रेज बना हुआ भाई इन टूर्नामेंट का, तुम यूट्यूब पर सर्च मारना, हर जगह भाई जितने भी पॉक्टिवर हो सकते हैं वो सारे यही डाले जा रहे हैं, और उनमें से मैं भी होऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो बना रखी इनके ऊपर, जाके तुम चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अब अगले मैच की बात कर ली जाए जो कि होगा सिंथिया और आयरिस के बीच में। अब तुम सभी को पता होगा भाई सिंथिया कौन है, आयरिस कौन है, भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है। मेरे हिसाब से भाई आयरिस को बहुत से बंदे जानते होंगे, क्योंकि भाई आयरिस ही पोकेमॉन जर्नी में के साथ ही काफ़ी समय तक मतलब अभी इस सीजन में शुरू हुई है, या हम आयरिस को कम नहीं समझ सकते, क्योंकि भाई माना कि आयरिस मतलब जितने भी पोकेमॉन हमने टूर्नामेंट के साथ साथ जितने भी एपिसोड में से मैच खेलते हुए देखा है, माना कि बहुत ही कम देखा होगा, पर ये भी टॉप 8 में है भाई, काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है इन दोनों के बीच में, हो सकता है थर्ड मैच हो इनका। अब जरा इनकी चैंपियनशिप की बात कर लीजिए, जहाँ पे भाई जो सिंथिया है उनने भाई स्नोह चैंपियनशिप को जीता था और आयरिस ने यूनोवा चैंपियनशिप को जीता था। जैसे कि तुम्हें पता होगा पोकेमॉन ऐश की जर्नी में
अरे मैं नाम गलत ले रहा हूँ थोड़ा, सॉरी। तो तुम जैसे कि पता होगा भाई, आयरिस को भाई एक ड्रैगन वैली से आ गए, जहाँ पे आयरिस के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडवांटेज हो सकती है ड्रैगन को लेके। अब इसका मतलब ये तो नहीं भाई जो सिंथिया है वो हार जाएगी आयरिस से, ना ना भाई, जो सिंथिया है उसके पास भी भाई एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो कि है गार्चोप। अब तुम सभी को पता होगा गार्चोप कौन है, मैंने क्योंकि अपनी वीडियो में बहुत सी बता रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर तो मेरा ओपिनियन मांगो तो भाई मेरे हिसाब से भाई सिंथिया ही जीत सकती है, आयरिस की जीतने के बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जो भाई सिंथिया का गार्चोप है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो जितने भी उसने टूर्नामेंट, यहाँ तक कि उसने बहुत से टूर्नामेंट खेले और साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई ली है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है जो कि किसी भी पोकेमोन का आसानी से वो टक्कर ले सकता है। अब जो कि लास्ट मैच होने वाला है जो कि स्टीवन स्टोन और हमारे पैलेस सिटी से आए हुए भाई एश केचम का, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन ट्रेनर्स में से एक है। अब इतना तो मुझे पता है भाई एश अपनी पूरी जिंदगी में यहाँ तक आया है तो हार तो मानेगा नहीं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टक्कर होने वाली है। हाँ, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ तुम किसकी साइड हो, स्टीवन स्टोन या एश केचम की तरफ से, क्योंकि भाई मैं तो हमेशा एश केचम की तरफ से ही रहा हूँ। इसी बात को ले लाइक सब्सक्राइब ठोक मारो, क्योंकि हमारा एश ही जीत सकता है। अब जरा इनके इस चैंपियनशिप की बात के लिए, जहाँ पे भाई स्टीवन स्टोन ने अलोरा रीजन से भाई अपना टूर्नामेंट जीता था, पर भाई हमारा एश ने ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता जो कि किसी भी रीजन से होने वाला था। अब यही जो है जो कि होने वाला है, और अगर ये एश जीत जाता है तो भाई वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोकेमोन मास्टर बन जाएगा, और जिसकी वजह से उसके पूरा दुनिया में नाम चल सकता, कह सकते हो भाई पोकेमोन मास्टर को लेके। ओके, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई जो आने वाले जो टॉप, मतलब जो फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट नहीं यार, जो मतलब एंड वाला राउंड होगा उन्हें कह सकते हो, उनमें कौन जीतेगा, ओ मतलब जो लड़ाई भी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होगी। मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड इस वजह से हूँ जो उनकी फाइटिंग देखने के लिए, मैं क्या कर सकता हूँ यार, इतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो भाई लोग, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड हो चुकी है, अगर वीडियो में मज़ा आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कैसी लगी हमारी छोटी सी वीडियो, और कमेंट करके बताना कि कितना मज़ा आया और कौन सा पोकेमोन ट्रेनर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हाँ यार, तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके चेकआउट अभी के अभी कर लेना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।